प्रियंका एंड यू आर वॉचिंग फेमस टॉक विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपसे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो कार ड्राइविंग टेस्ट का है। तो चलिए हम चलते हैं अपने आरटीओ ऑफिस और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, और कमेंट मुझे जरूर लिखिएगा कि आपको इसमें और क्या जानना है या क्या मैंने आपको नहीं बताया, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। तो लेट्स गो स्टार्टेड। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आरटीओ ऑफिस। अभी कैमरा मेरे हस्बैंड के हाथ में है। हमने अपनी कार दूर ही पार्क कर ली थी क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था और मुझे दिखाना था आपको कि अभी कैसी वहाँ पे भीड़ हो रही है, लोग कम जा रहे हैं या ज़्यादा जा रहे हैं। तो हमने अपनी कार दूर में ही पार्क करके मैं पैदल चल रही हूँ अपनी वीडियो के लिए। और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी कार लगी हुई हैं। यहाँ पे पार्किंग काफ़ी दूर से स्टार्ट हो जाती है तो इसीलिए हमने भी पहले ही लगा ली थी। और काफ़ी दूर तक पार्किंग है, कई सारे पार्किंग वाले भैया हैं जो गाड़ी को बुलाते रहते हैं, आइए आइए, तो वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये भैया कार को बुला रहा है पार्किंग के लिए। हम आरटीओ ऑफिस पहुँच चुके हैं तो हम चलते हैं जहाँ पे हमको लाइसेंस के लिए जाना है। तो यहाँ पे ये इस कमरे में हमें अपनी सारे पेपर्स जमा करने होते हैं। ये रूम नंबर 12A है, इसमें आपको दिख रहा होगा स्थाई लाइसेंस। तो इस रूम में हमको आना पड़ता है जहाँ पे सारे पेपर हम जमा करते हैं। मेरे से पहले एक भैया का हो रहा था तो मैंने उनका भी वीडियो ले लिया, तो वो अपना काम कर रहे हैं अभी और उनके बाद मेरा नंबर आएगा। तो ये देखिए अब मेरा नंबर आ चुका है। यहाँ पे फ़ोटो लेते हैं आपकी वो, और फिर आपको एक पैड होता है उस पर आपको सिग्नेचर करना पड़ता है अपना। तो यहाँ पे देखिए मैं आप सिग्नेचर कर रही हूँ, तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे आपको परेशानी नहीं होगी, सब कुछ बहुत ही इजीली हो जाता है, सारे पेपर्स अगर आपके पास हैं तो। हमारा यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको रूम नंबर 11 में जाना होगा, वहाँ अपने सारे पेपर जमा कीजिए तो आपके सारे काम हो जाएंगे। अब हम वहाँ आ चुके हैं जहाँ ड्राइविंग टेस्ट होता है। ये बिल्कुल आरटीओ ऑफिस के पीछे ही है, तो आपको यहाँ पे आना है और अपना ड्राइविंग टेस्ट देना है। ड्राइविंग टेस्ट में आपका ये ज़्यादातर यही करते हैं कि आपको ये बैक से गाड़ी लगवाते हैं पार्किंग में, आपको सीधी लानी है और फिर धीरे धीरे करके आपको बैक में लगानी है। और आपको दिख रहा होगा ये रेड कलर के स्टॉपर जो लगे हुए हैं, आपको उनके बीच में लगाना है। तो अगर आपका वो टच हो गया तो आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, फिर आपको वो एक हफ्ते बाद बुलाते हैं दोबारा से टेस्ट के लिए। तो आपको कार बिल्कुल धीरे धीरे लगानी है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे घबरा जाते हैं और फिर उनका टेस्ट गड़बड़ हो जाता है और वो फेल हो जाते हैं। तो बिल्कुल आराम से पेशेंस के साथ बिल्कुल धीरे धीरे कीजिए तो आपसे वो हो जाएगा। और उसको वैसे ही फिर वो आपको बताते हैं कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, फिर आप अपनी कार निकाल के जा सकते हैं। जैसे ये भैया का हो गया, ये पास हो गए तो ये जा रहा है। मैं अपना वीडियो नहीं बना पाई इसलिए मैंने एक ही वीडियो बनाया, और उस दिन ज़्यादा गाड़ियाँ भी वहाँ पर नहीं थी। कार टेस्ट के बाद बाइक टेस्ट भी हुआ था, बाइक स्कूटी। तो मैंने सोचा कि मैं इसका ही वीडियो बना लूँ, शायद आप लोगों को ये यूज़फुल हो आप लोग के लिए, तो इसलिए मैंने बनाया। इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा ये 3 स्टॉपर लगे हैं, तो इसमें आपको 2 बार 8 बनाना होता है। तो ऐसे ही आपको जैसे ये भैया कर रहे हैं वैसे करना है, और पैर बिल्कुल भी नीचे नहीं रखना है। अगर आपका पैर ज़मीन से टच हो जाता है तो आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करना है। ये भैया बहुत अच्छा कर रहे थे इसलिए मैं इनका वीडियो लिया, और इसलिए आपके भी ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी दिन डिजिटल लॉकर में आ जाता है आपके, और आपका वो कार्ड बन के 1 वीक के बाद ही आ जाता है। वो आपको स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ अपना शेयर कर रही हूँ। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।